और कोरोना के नाल निजठली अमृतसर विच भी सख्ती नाल नाइट कर्फ्यू लागू कर दिता गया है। बीती रात नाइट कर्फ्यू दौरान लॉरेंस रोड से कई दुकानों नूं बंद कराया गया, जदों की कई दुकानदारां ते नियमां दी उलंघना करन दे मामले भी दर्ज किए गए। अमृतसर विच भी नाइट कर्फ्यू जिहड़ा है वह लगाता गया। नजर आ रहा है कि रात वेले पुलिस नूं कई दुकानां नूं बंद कराया गया, लोगों नूं घरां नूं जाण नूं अपील की गई, मास्क लगवाए गए। बीती रात नाइट कर्फ्यू दौरान लॉरेंस रोड से कई दुकानों नूं जिथे बंद कराया, कई दुकानों से नियमों की उलंघना करने के मामले भी दर्ज किए गए। ठीक है, साड़ी अवेयरनेस वास्ते लगाया, अगर असी बचते हैं इस तो कोरोना का संक्रमण घट होता है तो बहुत वधिया गल है। सरकार ने साड़ी सेफ्टी वास्ते लाया तो सानू इहदी पालना करनी चाहिए है, कोई माड़ी गल नहीं है। बच्चे का गिर गया जी दुकान तो आते गांव तो हेडलाइन सारे मननिया चाहिए जी। जी हाँ जी बिल्कुल आएगा जी, 1000 रुपये का जी। सानू पता ही नहीं है कि किस चीज़ का परचा किया साड़ी दुकान से, ना तो सानू ना कोई सानू पता है कि ना सानू कोई दात आई है, ना कोई पुलिस वाले कोई कह आया आ। सरकार को यही चाहेंगे कि सानू पता लगे साढ़े तो किस चीज़ का किया गया, आप मंग चाहते कि साडा सुनवाई की जाए। कोविड महामारी बीमारी जी दोबारा फैलनी शुरू हो गई है, इस संबंध हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइन तो पंजाब सरकार के हदायतों मुताबिक जोड़ा वा सोशल डिस्टेंस की पालना करनी जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। इस दे बावजूद ही खैरू शॉपिंग कंपलैक्स के बाहर जिहड़ियां चाह वाली दुकाना पनीर वाली दुकाना ने काफ़ी इकट्ठ किया हो बाहर, काफ़ी पब्लिक इकट्ठा किया, टेबल लगाए कुर्सियां लगाया, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं सी पहने, सोशल डिस्टेंस की उलंघना हो रही, जिस ते असीं इन्हां दे खिलाफ 188 269 IPC तहत मुकदमा दर्ज किया गया।